ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यह अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम tradingfab.in। आज 13 मई 2020 वेनसडे है, सुबह के 8:33 हो रहा है। तीसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। कल हमने देखा निफ्टी ने जो एक रेंज क्रिएट किया था उसका लोअर बैंड इसने ब्रेक कर दिया था और 20 DMA के नीचे आके ये क्लोज हुआ था। हालांकि कल एक बार फिर से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बार फिर से जनता के आगे सामने आकर एक स्पीच दिया है, उसमें 20 लाख करोड़ का रिलीफ पैकेज का अनाउंसमेंट किया है। आरबीआई और गवर्नमेंट को मिला के ये 20 लाख करोड़ का रिलीफ पैकेज होगा, लेकिन इसके डिटेल्स क्या है ये अभी तक पता नहीं। फाइनेंस मिनिस्टर्स आके इसको एक्सप्लेन करेंगे। हालांकि ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है, ये लगभग अगर ये अमाउंट को देखे तो ये हमारा जो देश का एनुअल बजट है इसके आसपास ये अमाउंट है। तो इसका एक्सप्लेन नेशन फाइनेंस मिनिस्टर आके देने वाले हैं कि किस इंडस्ट्री को कैसे ये लोगों तक राहत पैकेज पहुंचाया जाएगा। तो फिलहाल अभी तक यहाँ पर जो लॉकडाउन चल रहा था, तीसरा लॉकडाउन, उसके बाद ये चौथा लॉकडाउन भी यहाँ पर हो सकता है, लेकिन उसके रूल्स और रेगुलेशंस क्या होंगे इसका भी एक्सप्लेनेशन बाद में हमें सामने आएगा। लेकिन यहाँ पर इसके वजह से, लेकिन ये लॉकडाउन जो एक्सटेंड होगा इसके वजह से कई सारे बिजनेस हो सकते हैं अफेक्ट हो, हर एक के जॉब के ऊपर भी हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम दिखाई दे। क्योंकि अगर एग्जांपल के तौर पर देखें तो न्यूज़पेपर जो आता है हर सुबह, वो भी बिजनेस अफेक्ट कर सकता है। जो सलून्स है, पार्लर्स है, उसके ऊपर भी अफेक्ट हो सकता है इसका। और जो छोटे ठेले लगाते हैं खाने पीने के, उनके बिजनेस के ऊपर भी ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकता है। तो आने वाले समय में फाइनेंशियल क्राइसिस, अगर लोगों की जॉब्स यहाँ पर चले जाते हैं, उनके सैलरी में कटौती आती है, तो यहाँ पर उनका परचेसिंग पावर कम हो जाएगा। तो ये परचेसिंग पावर बढ़ाने के लिए अगर गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स लेती है तो यहाँ पर ये जो पॉजिटिवनेस आज मार्केट में देखने को मिलेगा ये कंटिन्यू हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि देखना ये होगा कि ये जो अभी कल स्टिमुलस पैकेज का अनाउंस हुआ है, तो जो पॉजिटिविटी आज ट्रेडिंग मार्केट्स में देखने को मिलेगी तो ये क्या कंटिन्यू रह पाएगी, सस्टेन हो पाएगी, ये देखने लायक होगा। तो सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 12th में आफ्टर मार्केट आज ये पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो यहाँ ऊपर आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 9347 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 9176। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं निफ्टी इंडेक्स जस्ट ब्रेकडाउन लेवल के आसपास यहाँ पर ओपन हुआ और टुवर्ड्स साउथ की तरफ ये मूव हुआ। तो यहाँ पर फर्स्ट टारगेट अचीव होने के बाद सेकंड टारगेट भी कुछ ही पलों में यहाँ पर ये अचीव हुआ और इसके पास इसने कुछ देर तक एक सपोर्ट लेने की कोशिश की। हालांकि ये भी ब्रेक होने के बाद टुवर्ड्स और भी ये साउथ की तरफ हुआ और एक काफी देर तक, यानी ऑलमोस्ट 1 बजे तक एक साइडवेज पैटर्न में ये ट्रेड हो रहा था। और जैसे इस रेंज का अपर बैंड यहाँ पर ब्रेक हुआ तो ये फिर से ऊपर आकर एक हरे निशान में कल निफ्टी इंडेक्स बंद होते हुए दिखा। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो ऑलमोस्ट 18 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 13,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार नासडैक करीब 189 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ। वहां पर फिर से इकोनॉमी को रीओपन कर दिया है, तो चिंता जताई जा रही है कि ये जो कोरोना वायरस है उसका फिर से एक बार आउटब्रेक देखने को मिल सकता है। तो वहां पर लाल निशान में कल कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। यूरोपियन मार्केट देखे तो लंदन मार्केट 55 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ, हालांकि जर्मन और फ्रांस मार्केट में कमजोरी देखने को मिली। एसजीएक्स निफ्टी जबरदस्त पॉजिटिव वे में इस वक्त ट्रेड कर रहा है, 265 पॉइंट की इस समय बढ़त दिखा रहा है। हालांकि जापानीज इंडेक्स 155 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है और चाइना मार्केट में भी थोड़ा सा मिला जुला कारोबार देखने को मिला।
फ्यूचर की बात करें तो अभी फिलहाल वहां पर हल्की सी बढ़त देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में अगर देखें तो इस समय मिला जुला कारोबार देखने को मिल रहा है। तो स्टिमुलस पैकेज का असर आज निफ्टी इंडेक्स में भी देखने को मिल सकता है, लेकिन क्या ये सस्टेन कर पाएगा ऊपरी लेवल्स पे, ये देखने लायक होगा। चलते निफ्टी के चार्ट के ऊपर, डेली चार्ट से शुरू करेंगे। आज एक रिएक्शन आ सकता है, जो रिलीफ पैकेज का ऐलान हुआ है उसका रिएक्शन आ सकता है। लेकिन अगर टेक्निकल चार्ट्स को देखें तो ये जो रेड कैंडल था, इसका हाई और लो, इसके बीच में ये कई दिनों से क्लोज मिल रहा था, यानी एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग चल रहा था। कल इसके लोअर बैंड को ये इसने ब्रेक कर दिया और ये जो 20 EM है, ये पिंक लाइन, इसके नीचे आके क्लोज हुआ था। लेकिन अगर इस कैंडल को देखें तो ये दोजी टाइप का कैंडल है और इसका टेल जो है नीचे की तरफ टेल काफी लंबा छोड़ दिया था, यानी फिर से एक बार यहाँ पर बुल्स ने अपना जो ताकत है ये फिर से यहाँ पर दिखाई थी लास्ट कुछ आवर्स में। तो हो सकता है ये आज गैप ऑफ ओपनिंग यहाँ पर जबरदस्त देखने को मिले। तो ये जो रेंज है, जो लास्ट 4-5 दिनों से हम रेंज देख रहे हैं, उसका ये जो अपर बैंड है, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है निफ्टी इंडेक्स तो हमें यहाँ से कंटिन्यूटी देखने को मिल सकती है टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ, यानी ये लेवल जो 9,450 के आसपास है। इसके ऊपर एक गैप भी क्रिएट हुआ था पास्ट में, गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, तो ये गैप जो भी है वो फिल भी हो सकती है, लेकिन इस लेवल के अपर बैंड के ऊपर इसको सस्टेन करना होगा। तो ये डेली चार्ट का सिनेरियो फिलहाल। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। कल का ये जो ब्रेकडाउन लेवल था, यही हो सकता है आज हमारा फिर से एक बार ब्रेकडाउन लेवल, लेकिन इसको एडजस्ट कर देते हैं पिवट पॉइंट के पास, यानी कि जहां पर ये कल ओपन हुआ था, यानी ऑलमोस्ट 9,160 के पास। अगर इस लेवल के नीचे चला जाता है तो ही इंट्राडे के लिए हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 9,129, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 9,100, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो जैसे कि SGX निफ्टी को देख रहे हैं हम, कल का असर वहां पर भी देखने को मिल रहा है जो रिलीफ पैकेज अनाउंस किया था। तो आज अगर ये जबरदस्त गैप अप ओपन होता है और ये जो लेवल है, यानी ऑलमोस्ट R2 के लेवल के पास, जहां पर पास्ट में इसने एक डाउन साइड आने के बाद एक रिकवरी जब दिखाया था, तभी इस लेवल के पास इसने एक रेजिस्टेंस फेस किया था। ये देखिए यहाँ पर ये जो स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडलस्टिक है, इसका भी हाई इसी लेवल के आसपास है। तो इस लेवल को कंप्लीटली ब्रेक होने दीजिए, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 9,382, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 9,409, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। अगर एक्सट्रीम गैप अप ओपन होता है तो वेट करना होगा इन लेवल्स के ऊपर, अगर सस्टेन करता है, हायर हाइज बनाता है फिर से, तो ही हम यहाँ पर इंट्राडे के लिए बाय पोजीशन बना सकते हैं। अदरवाइज गैप अप ओपन होता है तो वेट एंड वॉच करना काफी जरूरी है, मार्केट कैसा बिहेव करेगा ये अभी कहा नहीं जा सकता। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर करें। So thank you very much and happy trading.